एक ही बात इतनी उन तमाम बच्चों का नाम लेता हूँ और मैं जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती जुनेद आलम साहब कासमी आज के इस बाबरकार इजलास के सदर मोहतरम जनाब हजरत मौलाना अली अहमद साहब सरपरस्ते इजलास जनाब आसिम जब्बार अहमद साहब और उनके साथ साथ दीगर भी मुआज्जज उलमाए जनाब जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती असलम साहब और इस मकतब के बानी मौलाना जनाब हजरत मौलाना अकरम साहब भी मौजूद हैं। इन तमामी हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाए और उन बच्चों के सरों पर दस्तार फजीलत रखे। सबसे पहले मैं अजीज जलालुद्दीन इब्ने खुर्शीद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुदा हुआ इस तकदीर से ताल्लुक रखते हैं। आप तशरीफ लाए अपने मुकद्दस उलमाए इकराम की बारगाह में और अपने सरों पर दस्तार फजीलत रखें। जलालुद्दीन इब्ने खुर्शीद आलम साहब दरवा बाजार इन्हीं के साथ साथ मोहम्मद मुजक्किर इब्ने बदरुद्दोजा साहब दरवा बाजार इब्ने नूर निहाल साहब सैफी भैया टोला सारा सतर सरमाए कराम की गुजारिश है कि आप अपने दस्ते मुबारक को इन बच्चों को सरमाए रखें। मोहम्मद सईद इब्ने मास्टर अब्दुल कासिम साहब दरवा बाजार एजाज अहमद इब्ने अखत अब दरवा एजाज अहमद इब्ने अब्दुल हक साहब दरवा मोहम्मद जैद इब्ने नूर आलम साहब दरवा बैठ जाइए ये बैठ जाइए ये तरफ से मोहम्मद साहिल इब्ने शफीकुल्लाह साहब बढ़िया बोला मोहम्मद साहिल इब्ने शफीकुल्लाह साहब बढ़िया बोला आगे ले सरपरस्ते इजलास जनाब हाफिज अब्दुल अहमद साहब हमारे पति जामे मस्जिद मंशा चला बतिया आज के इस बाबा का इजलास की सदारत जनाब हजरत मौलाना अली अहमद साहब कासमी मुदल्लिस मदरसा सरिया दोनों अपने फरमाए हैं और जनाब हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब कासमी दरवा बाजार की निगरानी में आपके प्रोग्राम काफी फजीह है और भी जितने मुअज्जज उलमा जनाब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं जिनकी सरपरस्ती में आज सात बच्चों को सरों पर दस्तार फजीलत रखी गई और ये तमाम बच्चों के साथ साथ अजीजत मोहम्मद हामिद अली इब्ने शेख अदालत साहब दरवा बाजार मोहम्मद हामिद अली इब्ने शेख अदालत दरवा बाजार इनकी दुश्मन देख रही है इतनी अजीब शान है कि दुश्मन देख रही है इतनी अजीब शान है और फसले हंसे जिसका बेटा हाफिज कुरान है इनकी मिसरा के लिए कितनी अजीब शान है और फसले हंसे जिसका बेटा हाफिज कुरान है और कोई भी कुरान में तर्मीम कर सकता नहीं सरवरे कौनैन की उम्मत का ये ईमान है और जिसके सीने में कुरान की एक भी आयत न हो उसका दिल तारीख है गुजार है सिर्फ अफाक है और कुरान का फरमान मिटा है न मिटेगा कुरान का फरमान मिटा है न मिटेगा अल्लाह का कुरान मिटा है न मिटेगा अल्लाह का फरमान मिटा है न मिटेगा और इतना कहे कुरान के दुश्मन मिटा उठे दुनिया से मुसलमान मिटा है न मिटेगा। हम सारे लोग आज के इस बाबरकार इजलास के अहद करें और अपने दिलों के अंदर ये जज्बा लेकर के जाए कि इंशाअल्लाह हम भी अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। उस सिलसिले को यही खत्म करते हुए रिसाले कलाम का हवाला आप नजारा करें और अपने मुकद्दस रवाय कलाम का नजारा करें और इन रिसाले कलाम के उनवान से नजर पेश करने के लिए अजीज मोहम्मद अबू बकर
तालमेल बैठे आप तशरीफ लाए और अपने साथ तमाम लोगों को खुश किया।